मैं इस भूमि पर पैर रखकर इस मिट्टी को छूकर एक बहुत बड़ी चेतना की प्राप्ति हमेशा से करता हूं, क्योंकि यही भूमि है जिसने पूरे देश को स्वदेश और स्वधर्म के लिए जान देने का संस्कार और जान देने का संस्कार। जब मुगलों का शासन था, औरंगजेब का शासन था, चहू और घोर अंधारी अंधेर रात्रि दिख पड़ती थी, कहीं पर तनिक मात्र भी प्रकाश के चिन्ह दिखाई पड़ता था, उस वक्त शिवाजी महाराज ने, एक युवा बालक जैसे शिवाजी महाराज ने स्वराज की बात कर पूरे देश के अंदर चेतना जागरूक करने का काम किया। वहां से चली हुई यात्रा आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत वर्ष को विश्व को, उन्होंने जो इतने अल्प कालखंड के अंदर अनेक प्रकार के साहस किए, मुगलों की जमी हुई सत्ता को हिलाकर रख दिया और अंततो गत्वा हिंदी स्वराज की स्थापना की। अपने जीवन के अंदर, एक ही जीवन में इतने सारे साहस और पराक्रम किए कि शायद ही कोई व्यक्ति कर पाए। अपनी जान की बाजी लगाकर, जान को हथेली में रखकर हमेशा के लिए किस प्रकार से स्वधर्म और स्वराज का झंडा आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने हमेशा पराक्रम करने के लिए प्रयत्नशील रहे। और ये जिला और स्थान इसलिए भी ऐतिहासिक है कि पूरे पश्चिम भारत में सबसे पहली भारत की नौसेना बनाने का काम शिवाजी महाराज ने इसी तरह किया। यहां से लेकर अफ्रीका तक जो दरियाई लुटेरे माल की आवाजाही को रोकते थे, और उस वक्त अंग्रेजों ने भी, यूरोपियनों ने भी दृष्टि डालना शुरू किया था, तो दूरंदेशी व्यक्ति ने उस वक्त नाप लिया था कि नौसेना नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं रह सकता। इतना लंबा सागर किनारा जिस देश को है उसको सुरक्षित करना। मेक हैपी योर फेट विथ अवर ब्रांड विथ SS फुटवेयर, बैलन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ऑल एसेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन बिंद नगर रोड, धोदी, वैडन सिंगरौली, मध्य प्रदेश। फोन नंबर 9425177049, 9798859115। चाय हर घूट में स्वाद, दाए सुट्टा पार, CSB वैडन सिंगरौली जिले में पहली बार सारे फ्लेवर की चाय और बेस्ट सर्विस के साथ 100 से अधिक आउटलेट पूरे मध्य प्रदेश में, फैमिली और कपल्स कैफे, पता है बिंदनगर रोड, टाइगर इन होटल के सामने, बैठन सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर 6260540078। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।